आज मेरे घर में बनेगी मिलोनर रोटी और सब्जी, सिंपल सब्जी और टेस्टी सब्जी। इसमें कुछ ऐसा नहीं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, मांग मांग के खाएंगे आपसे। तो फिर चलिए आज हम यही बनाते हैं। नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज सावित्री की रसोई में बनेगी एक रोटी या देसी बिस्किट, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका नाम मैं आपको, रोटी है पर क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैंने ये बेसन लिया है। तो हम इसमें ये गेहूं का आटा छना हुआ है और ये बेसन है। बेसन आपके पास मोटा पतला कैसा भी हो, मोटा हो या बारीक हो, कैसा भी हो सब चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आधी चम्मच अजवाइन, तो उसे हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। और हमने लिए हैं ये चौथी चम्मच कलौंजी और ये लिया है नमक, थोड़ा सा आधी चम्मच नमक लिया है। इसको हम कर देंगे इसमें मिक्स। अब इसमें हमें डालना है घी। तो घी हमें कितना डालना है, घी हमें डालना है वो हम आपको, पहले तो हमें इसमें चार चम्मच घी डाल देंगे। देखिए चार चम्मच, पांच चम्मच, या आप घी कम पसंद करते हो तो इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से ही ज़्यादा अच्छी इसका टेस्ट आता है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें एक चम्मच घी और डाल देंगे, हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसमें दो चम्मच और डाल दिया। कुल इसमें छः चम्मच घी हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बस देखिए हमें जैसा चाहिए वैसा ही हो गया है। हमें चाहिए कि हम मुट्ठी में इसे बांधें और ये बन जाए, बस इतना ही चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम आटा लगा लेंगे, डो तैयार कर लेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना क्योंकि बेसन में तो इतना पानी नहीं लगता है, तो हम इसे इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। देखिए डो हमें सख्त चाहिए, जैसे हम मटरी बनाते हैं ना उसी तरह का हमें डो सख्त चाहिए, बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इनकी रोटी नहीं बना सकते। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी सब्जी इसके साथ बना रहे हैं तो उसकी तैयारी हम करते हैं। तो मैंने ये आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू है, इनको छील लिया है। आलू जब हम छील लेते हैं तो हमें पानी के संपर्क में उन्हें रखना होता है। तो अब हम आलूओं को काट लेंगे। आलू कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए हम आलूओं को छोटे बड़े जैसे पीस आप करना चाहें, मैंने तीन आलू लिए हैं तो इसको हम काट लेंगे ऐसे ही पीस। आलू काट लेंगे और इसके लिए हमने लिए हैं टमाटर, दो टमाटर, अदरक और दो हरी मिर्ची। तो टमाटर लिए हैं, टमाटर की हमें ग्रेवी बनानी है तो वो हमने ये बना ली है। अब हम आलू काट लेते हैं, काट लिए हैं इधर। अब इसमें हम दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मसाला भी ज़्यादा नहीं है, तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। हींग डाल दी है और डालना है इसमें जीरा, जीरा डाल दिया है। मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये लाल मिर्ची आधी चम्मच और धनिया पाउडर डाला है डेढ़ चम्मच, हल्दी डालेंगे इसमें आधी चम्मच। इसको अब हम पानी डाल देते हैं और घोल देते हैं क्योंकि हमारा मसाला ही घुला हुआ हम जब डालेंगे पानी के साथ तो ये जलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देख
लहसुन सॉरी इधर जो मैंने जीरा डाला था वो भी तड़क गया, तो इसमें अब हमें मसाला डालना है। देखिए मसाला डाल दिया, अब हम मसाला को भून लेते हैं। देखिए मसाला तैयार हो गया, उसने अपना तेल छोड़ दिया, मसाला भून चुका है। जो हमने हल्दी और मिर्ची उसमें डाली है, हरी धनिया डाली है, धनिया पाउडर। अब हमने जो ये टमाटर और मिर्ची अदरक पीस के रखे थे, तो ये टमाटर की प्यूरी इसको भी हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें जो भी टमाटर लगा है थोड़ा सा इसका पीस, तो उसको भी डाल देंगे। और बस अब इसको हम भूनने देते हैं, भून लेंगे। टमाटर बढ़िया से भून चुके हैं, मसाला हमारा तैयार हो गया है। टमाटर भी भून लिए हैं हमने, और ये इधर आलू ही कटे रखे हैं, तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ये सब्जी तो बहुत ही जल्दी बन जाती है फटाफट, इसमें कोई भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और हम इन आलूओं को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए आलू भी मसाला के साथ अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इनमें डाल देंगे पानी। पानी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितनी ग्रेवी वाली चाहिए। ये सब्जी दोनों तरह से खाई जाती है, आप पतली भी खा सकते हैं और कम ग्रेवी वाली और ज़्यादा ग्रेवी वाली। तो मैंने थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई है, जैसे मेरे यहाँ पसंद की जाती है। मैंने एक डेढ़ गिलास पानी, इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम बंद कर देंगे ढक्कन को, और इसमें दो से तीन सीटी आने देंगे। एक सीटी हाई फ्लेम पर, फिर स्लो फ्लेम पर दो सीटी। जब तक सब्जी रेडी हो रही है, जब तक मैंने ये आटा ने भी इसने भी रेस्ट ले लिया डो ने, जो हमने तैयार करके रखा। तो इसकी हम बनाएंगे लोई, छोटी बड़ी आप जैसी भी पसंद करें आप उस हिसाब से। जो हम रोटी नॉर्मल बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी बनानी होगी। अब हमने एक साइड से रख दिया है, और हम लेंगे एक लोई, बेलेंगे हम। पहले तो इसे हाथ से बढ़िया से गोल करेंगे, चिकना करेंगे, क्योंकि इसमें मोहन होता है ना घी, तो ये फटती है। और इसकी ये फटती है ना, तो ये इधर से किनारे जो चटक जाते हैं, तो सही आटा सही डो हमारा तैयार होना ये पहचान है। तो इसको अब हम बेल लेते हैं। बेलेंगे साइड से, जो हमारे किनारे चटकी होती हैं तो ना कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही होते हैं। तो हम अब हमने ज़्यादा मोटी करनी है और ना ही हमें ज़्यादा पतली करनी है। इसमें सूखा आटा भी बर्तन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मोहन इतना होता है कि ऐसे ही बेल जाएगी। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, हम देखिए ना ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली। अब इसे डालना है तवे पर, तो इसे हम डाल देंगे तवा पर। तवा हमारा गर्म हो गया, अब इसे हम सिकने देते हैं। मैं आपको एक रोटी और बेल के सिका दिखा देती हूँ। देखिए इसको भी हम बेल लेते हैं। और यदि आपके घर में कोई गेस्ट है तो आप इन जो साइड से जो किनारे हैं चटकती हैं ना, तो इनको आप काट भी सकते हैं। तो आप और बड़ी बना के और इसे काट लें। और वैसे अगर ये फैमिली के साथ खा रहे हैं तो कोई नहीं, ये तो पहचान होती है जो साइड से चटकती है। ठीक है, मैंने इसको भी बना दिया। अब हम इसको पलट देंगे एक साइड से। देखिए कितनी अच्छी ये सिक चुकी है। आप चाहें तो इसमें घी लगा सकते हैं, यदि आप ना खाएंगे ना लगाएं तो आप ना, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये बिहार सॉरी उत्तराखंड और झारखंड की मिलौनी रोटी बोलते हैं इसको, मिलौना रोटी। तो देखिए मैंने घी लगा दिया है इसमें एक साइड से, और घी इसमें इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से हो जाएगा। तो देखिए ये रोटी हमारी लीजिए सिक गई है, और इनको उधर
बिस्किट भी बोलते हैं, देसी बिस्किट बोलते हैं। अब जो मैंने दूसरी रोटी बनाई है उसको भी इसमें सेकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए ये दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। देखिए मैं बाकी रोटियां इसी तरह बना लूँगी। इसमें ज़्यादा घी लगा देंगे तो ये पराठा बन जाएगा, कम घी लगाएंगे तो ये रोटियाँ, इन्हें हम देसी बिस्किट बोलते हैं। देख लीजिए सब्जी तैयार हो गई है, ऐसी ही बनती है। और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, कम में ज़्यादा आप जितना डालना चाहें। तो लीजिए हमारी सब्जी भी रेडी है। इधर मैंने ये मिलोना रोटी भी सेक ली है तो ये भी रेडी हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया है। आप इन्हें कहीं भी जाना, यदि आपको कहीं जाना है ट्रैवल करना है तो आप लेके जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इनमें नमक भी है और घी भी है। तो चलिए अब हम करते हैं इन्हें सर्व। लीजिए प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैंने सब्ज़ी बनाई है जैसी वहाँ बनाई जाती है, मैंने बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी ही सब्ज़ी बनाई है और हरी चटनी भी। तो प्लीज़ इन्हें हम मिलोना रोटी, ये उत्तराखंड झारखंड की ये रेसिपी है तो जो मैंने आपके सामने आज बनाई है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। लीजिए आप बनाएंगे, एक बार बनाएंगे आप सिर्फ एक बार, तो आपके यहाँ आपकी फैमिली में सभी इसे पसंद करेंगे और आपसे पूछेंगे। यदि आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल सब्जी बनती है आप इसको बना लीजिए और ये मिलोना रोटी, तो इतने में ही आपका गेस्ट खुश हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये किससे सीखा है, आपको खुशी मिलेगी।